उपमाद वको गाथा नंबर 31 धम्मपद। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दस्सी वा संयोजनंग अणुंग धूलंग डहंग अग्गी वे गच्छति। ये जो गाथा है इसकी कथा इस प्रकार है, इसकी कथा इस प्रकार है। जैतवन में एक भिक्खु था। वो भिक्खु बहुत मेहनती था और सारा धम्म संघ और जो बुद्ध की शिक्षाएं थी वो सीखने के बाद एक एकांत जंगल में चला गया वो, और वहां जाके वो ध्यान साधना विपस्सना, चित्त की विपस्सना, मन की विपस्सना, जो भी विपस्सना उसको सिखाई गई थी, काया की विपस्सना, सारी विपस्सनाएं वो वहां करने लगा। मगर वो शाम को जब अपना पूरा परिणाम देखता था और अवलोकन करता था कि मेरी विपस्सना की गति कैसी है कैसी नहीं है, तो वो ये पाता था कि वो विपस्सना में साधना में गति नहीं कर पा रहा और उसका ध्यान चारों तरफ भटकता है, उसका ध्यान संयत नियत कंट्रोल में नहीं आ रहा है और उसके दुख भी दूर नहीं हो रहे। ऐसा जानकर वो भगवान के पास जाने के लिए चल पड़ता है तो देखता है कि जंगल में आग लगी पड़ी है और चारों तरफ आग लग रही है और आग सभी छोटी और बड़ी चीज जितनी भी है उनको डह रही है, डस रही है, जला रही है, खत्म कर रही है। ये दृश्य देख के, ये सीन देख के वो भगवान के ध्यान में लेके आता है, भगवान को बताता है कि तथागत मैंने ऐसा ऐसा देखा। तब भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ये गाथा कहते हैं। अपमाद रतो भिक्कू, यानी अप्रमाद में रत जो भिक्कू है, अप्रमाद का मतलब है जो राग और द्वेष और मोह और मोह मूर्ता से अलग हो चुका है, उसमें रत नहीं है। संसारिक जितनी भी सेंसेबल चीज हैं जो पांचों सेंसेस को, नाक को, कान को, मुंह को यानी जीभ को, त्वचा को, आंखों को अच्छी लगती हैं या खराब लगती हैं, वो उनसे परे है और ऐसी बातें वो मन में भी नहीं लाता, ऐसे उसको अप्रमादी बोलते हैं, अप्रमादी बोलते हैं। तो जो भिक्कू अप्रमाद में रत रहता है, यानी अप्रमाद रतो भिक्कू, पमादे भय दस्सी वा, या वा का मतलब होता है यहां या, भय दस्सी का मतलब है भय के दर्शन करता है, भय को देखता है पमाद के अंदर, यानी कि जो इन राग में द्वेष में जो ये इंद्रियों के जो सेंसेस के हमारे जितने भी आवागमन है, अच्छा या बुरा जो भी है, जो इसमें भय देखता है, इससे डरता है और समझता है, इसको जानता है। संयोजनंग अणुंग धूलंग डेहंग, संयोजन का मतलब है, योजन का मतलब है यहां जुड़ाव, और संयोजन का मतलब है अच्छा जुड़ाव, यानी कि जो संयोजन है, जो इनसे जुड़ाव है, किससे? अणुंग यानी बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल, जिनको कण बोलते हैं, अणुंग या थूलंग, थूल का मतलब है जो स्थूल होता है, बड़े बड़ी चीजें, स्थूलंग। डेहंग माने होता है खत्म करता है, नष्ट करता है या जलाता है। अग्गी माने आग में, वह गच्छति, वह माने ही और गच्छति माने चलता है, यानी कि वह भिक्कु जितने भी छोटे बड़े बंधन होते हैं राग के और द्वेष के, यानी चाहिए चाहिए के या नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ईर्ष्या के जितने भी बंधन होते हैं छोटे या बड़े, उनको जलाता हुआ चलता है, जैसे आग में, जंगल में जो आग छोटी और बड़ी लकड़ी को जलाती हुई चलती है। यानी बहुत सीधा सा इसका अर्थ है कि जो अप्रमादी भिक्कू होता है और जो प्रमाद में नहीं रत होता, नहीं देखता है, वो अपने सारे बंधनों को, राग द्वेष के बंधनों को, छोटे हों या बड़े हों, उनमें जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल की आग एक तरफ से छोटी बड़ी लकड़ियों को सबको जलाती हुई चलती है, ऐसे ही उनको खत्म करता हुआ चलता है और धीरे धीरे उसके सारे दुख और सारे कष्ट उसके हट जाते हैं और सुख ही सुख बाद में
बचता है। यह है गाथा नंबर 31। धन्यवाद।